कोरोना ने पूरे देश में अगर किसी राज्य को सबसे ज़्यादा अपने शिकंजे में कसा हुआ है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है वहाँ के प्रशासन ने कि अगर आप कुछ ज़रूरी सामान लेने घर से बाहर निकलते हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, चाहे आपके घर से 50 मीटर दूर ही क्यों ना हो, और अगर आप उस सूरत में मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई करनी पड़ेगी सब प्रशासन को मजबूरी में, क्योंकि आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो मुंबई में अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, मास्क लगा कर ही जाएं। सिर्फ मुंबई में इस तरह का ऑर्डर नहीं है, इससे पहले देश की कई इलाकों में इस तरह का ऑर्डर पास हो चुका है कि भैया अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो हमारी आपसे विनती है कि मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खबर है कि जब लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा, और अभी भी जो भी लोग असेंशियल सामान लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है और बिना मास्क के किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो मास्क सिर्फ उत्तर प्रदेश और मुंबई की कहानी नहीं है बल्कि देश में अधिकतर इलाकों का यही हाल है कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें, प्रशासन का ये सख्त आदेश है। और वैसे अधिकतर लोग तो प्रशासन को कहने का मौका नहीं देते और वो घर से बाहर खुद ही मास्क पहन के निकलते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अपनी जान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हर कोई अपनी अपनी सुरक्षा भी करने लगे तो वो यूं ही सबकी सुरक्षा कर लेगा, और ये अच्छी सोच है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी घर से बाहर निकलें इन मुश्किल हालातों में तो मास्क पहन के ही निकलें। अगर आपके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा इशू आ रहा है कि कोई बहुत महंगा मास्क दे रहा है, तो आप रुमाल भी बांध सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मोटिव ये है कि आपका मुंह और नाक बिल्कुल खुले ना हो कि जब आप घर से बाहर जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।